जिला मुख्यालय में 100 किलोमीटर दूर बोराई, लिखमा और घुटकेल ग्राम पंचायत है। क्षेत्र में लोगों को न ही बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिल पा रही है, न ही बिजली, पानी और सड़क की सुविधा। ऐसे में नाराज हजारों ग्रामीणों ने बोराई बंद कर सिहावा उड़ीसा मार्ग पर चक्का जाम कर प्रदर्शन किया। इसके साथ ही सिविल अस्पताल में जमकर प्रदर्शन भी किया गया। ग्रामीणों का कहना है कि अगर गांव में कोई बीमार हो जाए तो व्यक्ति गांव में ही मर जाता है। आगे क्या कुछ उन्होंने कहा, चलिए सुनाते हैं आपको। जो शासन प्रशासन के इस विधेयक तेरा मन वापस दे बस बैठे, खास करके सिविल अस्पताल की समस्या है भैया। 15 तारीख की बात करे, गर्भवती माता तड़पत रही से आईस 12 बजे आईस। मैडम अनेको कने देखी हुई एक बार, जबकि सेती साहू रही से, सिस्टर रही से, स्टाफ नर्स है, वह मेडिकल ऑफिसर रही से सुखदेव मैडम। गर्भवती जब आए है तड़पत है तो उन्हें देखना चाहिए कि नहीं? वहाँ नहीं ना, थोड़े से देखे के बाद 2 बजे अपन गायब हो गए। बोला पता नहीं है मितानी ला ना सिस्टर ला। ओकर बाद जब मैं आके देखे ना तो रेफर करा थे इसी टाइप की साहुल। मोर मितानीन फोन करी गनीमा साथ में मितानीन रही से, तब बोला कहीं भी लेके जान ला बचाई और नहीं रहती का होती। साहू मोर मितानीन फोन करी दीदी रेफर करा थे हमारे सरपंच बहु मितानीन हरे पड़े सरपंच है ओकर साथ में आए पूछे ना हमारे का समस्या भी है काबा रेफर करा थो। सर एक तो अपना बड़ सिविल अस्पताल है तुम नॉर्मल डिलीवरी नहीं निपटा सको तब बीपी बढ़े किस में कहो मैं मितानीन हर मैं बीपी ले जानता हूँ अब कतिक बढ़े रहते कतिक नहीं बढ़े रहा वह मैं जानता हूँ। दे बोला बीपी मशीन ला मैं ले हूँ। जब मैं जाके बीपी ला लिया तो 138/83 रही से बीपी कोई नहीं बढ़े रही से इंकर मान के साफ झूठ बोली वैसा हुआ। तो बाद फिर आनंद फानंद में हमन के हमारा मितानी ला जा बहनी ले जा हमारा जच्चा बच्चा दोनों की जान ला बचाना है। ये मतलब हम कहा था परेशान हो गए जबकि यहाँ खुद स्टाफ रहते हुए गायब हो गए। हमारा माता गर्भवती हमारे बहनी है देख तड़पा थे गरीबीन बहनी हमें नहीं देखा था इसे कही कि हमें तुरंत सीएमओ सर पर फोन। अभी हमारे यहाँ चाहता हम कि जब तक यहाँ कलेक्टर महोदय है कलेक्टर मैडम आके हमें लिखित में नहीं दी जब तक हमारे मन के सुविधा ला हमारे वापस देवत हन ये सुविधा ला अगर वापस दी अगर लिखित में दी तब हम तो आप हड़बो यहाँ से नहीं हम तो सिविल अस्पताल ताला लगाबो। नहीं है, हम मांग को वापस लेना चाहते हैं। हम जिला प्रशासन का बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि उन्होंने हमको अस्पताल दिया है, हमको यहाँ पे सही वो दिया है, शैक्षणिक के लिए भी दिया है, लेकिन वो कहीं ना कहीं भूल गए कि यहाँ सुविधा देना भूल गए। तो हम लोग इस चीज़ों को नहीं रखना चाहते। हम तमाम यहाँ क्षेत्र के जनता जो है समथिंग 12,000 के आसपास चारों पंचायत 8 गाँव के लोग जो हम आज इकट्ठे हुए हैं, इकट्ठे होने के बाद जो है ना हम ये सारी योजनाओं को सरकार प्रशासन की जितनी भी योजनाएं हैं उनको वापस लेना चाहते हैं, वापस देना चाहते हैं। क्योंकि ये मात्र 100 PC है, यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है, ना डॉक्टर्स है ना कुछ, ना अस्पताल में देखेंगे डॉक्टर्स नहीं है, स्कूल में देखेंगे से वो आपका स्टाफ स्कूल स्टाफ नहीं है, थाने में देखेंगे थाने स्टाफ की कमी है, आपका जहाँ जहाँ पे देखेंगे हर जगह पे सुविधाओं की कमी है। इस वजह से पूरे जो जनता है यहाँ क्षेत्र की वो लामबंद हुई है और लामबंद होने का कारण ये है कि जो सुविधा उनको मिल रहा है वो भी उन वापस करना चाहिए। देखिए अस्पताल का घेराव हम लोग किए थे और करने उसमें यही प्रदर्शन था कि भाई हमारे पास अगर सुविधा नहीं तो ऐसे अस्पताल को हम क्या करेंगे, इसको रखना उचित नहीं।